तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन, यानी कोरोजन के मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स को कवरअप किया हुआ है, तो अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा ताकि जो पुराना कंसेप्ट है वो क्लियर रहेगा, तो ये भी कंसेप्ट समझने में आपको आसानी होगी। ओके, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स से अगले चीजों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इन चीजों का फायदा उठा सके, और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए हमारे चैनल को ताकि बेहतर से बेहतरीन कंटेंट अपलोड करने में मुझे भी मोटिवेशन मिले। आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन दो तरीके के होते हैं, बारी बारी से उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट जो हमारा तरीका होता है उसको देख लेते हैं, जो होता है मैकेनिज्म ऑफ ड्राई कोरोजन, या फिर जिसे हम लोग क्या कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन ड्यू टू ऑक्सीजन। दोनों कंडीशन हो सकते हैं एग्जामिनेशन में, अगर कोई भी आए आपको देख के घबराना नहीं है, दोनों नाम आपको अच्छी तरीके से याद करने की जरूरत है। अब ये किस तरीके से वर्क करता है आपके सामने ये इंटरफेस दिख रहा होगा, ये आपका जो मैकेनिज्म ऑफ ड्राई कोरोजन है इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, जिसमें आपका मेटल है या आपका एडसॉर्प्शन आपका ऑक्सीजन है, जो आपका डिसोसिएशन ऑक्सीजन है, और यहाँ पे ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन बाय द मेटल एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द O2, और यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड फिल्म। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपके प्लस है, यहाँ पे माइनस आयन है, ये आपका O2 एटम है, और ये क्या है आपका मेटल आयन है, और यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होगा, और यहाँ पे O2 ब्रेक होगा किसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में। तो इस फिगर को अगर ये मैकेनिज्म आता है तो इस फिगर का बनाना आपके लिए बेहद जरूरी है ताकि जो बेसिक सा क्रिएशन है वो क्रिएट हो सके, और थ्योरी लिखने से पहले इन चीजों को लिखना बेहद जरूरी हो जाता है, इसीलिए इसका डायग्राम नीट एंड क्लीन आप बना के जरूर आइएगा। यहाँ पे इसी में पॉइंट कह रहा है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू द केमिकल अटैक ऑफ द वेरियस एटमोस्फेरिक गैसेस, यानी जो आपका डिस्ट्रक्शन होता है किसी भी मेटल का वो किसकी वजह से होता है, जो केमिकल अटैक होते हैं वेरियस एटमोस्फेरिक गैसेस में उसकी वजह से, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके गैस होते हैं वो ऑक्सीजन होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इस फिगर में आपका जो फॉर्मेशन है ऑक्सीजन का यहाँ पे बताया गया है। अगला हमारा पॉइंट कह रहा है कि देयर आर द फोर स्टेप ऑफ मैकेनिज्म, यानी फोर स्टेप होते हैं जो कि इस मैकेनिज्म में यूज किए जाते हैं, वो आपके बेसिकली क्या है। सबसे पहला आपका है एडसॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन, जो कि हमारा देख सकते थे आप फिगर में, आप देख लीजिएगा एट द मेटल सर्फेस के लिए। सेकेंड आपका है डिसोसिएशन ऑफ द ऑक्सीजन इनटू द ऑक्सीजन एटम, क्लियर, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। थर्ड आपका है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द मेटल एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय ऑक्सीजन, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का इसके द्वारा मेटल के द्वारा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा ऑक्सीजन के द्वारा, और जिसे हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ द मेटल एंड द रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन भी कहते हैं। अगला हमारा क्या था, अगला हमारा था मेटल ऑफ मेटल ऑक्सीडेशन लेयर इन द मेटल सर्फेस। तो ये हमारा जो डायग्राम था उस डायग्राम में सारी चीजें ये लिखी गई हैं। यहाँ पे आपका आता है रिएक्शन इन्वॉल्व इन द ड्राई कोरोजन, यानी ड्राई कोरोजन में कौन कौन से रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं, और ये क्वेश्चन अगर आता है तो इन सारे जो पॉइंट्स हैं इन सारे पॉइंट्स को आपको उसके अंदर लिखने की जरूरत है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये रिएक्शन आपका है, रिएक्शन आप देखिए, जैसे आपका एम है मेटल, आपका क्या होता है एम, या आपका जो है वो पावर में है, पावर ऑफ प्लस टू, एंड यहाँ पे प्लस आपका है और टू आपका इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है, और ये आपका क्या है ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल है, और यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ये आपका हाफ ऑफ ऑक्सीजन प्लस टू इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो रहा है ऑक्सीजन टू माइनस दे रहा है, जो कि आपका क्या है रिडक्शन ऑफ O2 है। और इसी तरीके से एम प्लस हाफ आपका जो ऑक्सीजन होगा वो क्या करेगा, आपका क्या होगा एमओ देगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेसिक सा जो रिएक्शन हम कह सकते हैं ये रिएक्शन है जो कि ड्राई कोरोजन के अंदर यूज होता है। और यहाँ पे कुछ नोट्स हैं जिनका याद रखना है, जिनका क्लियर होना आपके लिए जरूरी है, वो नोट क्या है आप देखिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि रस्टिंग ऑफ आयरन कॉज डैमेज ऑफ मेटल बिकॉज इन आयरन फर्दर कोरोजन विल टेक प्लेस, यानी जो रस्टिंग होता है आयरन का, जो किसकी वजह से जो डैमेज ऑफ मेटल्स होते हैं, क्योंकि जो आयरन होते हैं वो कोरोजन के जगह पे क्या करते हैं उनके प्लेस को कैरी करते हैं, एंड द ऑक्साइड लेयर पास ऑन द ऑक्सीजन टू कोरोड मेटल। एंड सेकेंड आपका है इन द केस ऑफ कॉपर एंड द Ag कोरोजन टेक प्लेस, यानी जो आपका कॉपर और सिल्वर होता है उसमें जो कोरोजन होता है वो प्लेस को कैरी करता है, एंड वंस द ऑक्साइड लेयर परफॉर्म्ड इट प्रोटेक्टेड द मेटल फ्रॉम द फर्दर कोरोजन, एंड दैट्स व्हाई इन द कॉपर एंड द Ag देयर इज नो डैमेज ऑफ मेटल। तो ये आपके सारे पॉइंट्स हैं जो कि क्लियर होने जरूरी है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो फ्रेंड, हमारा जो सेकेंड है वो आपका है मैकेनिज्म ऑफ वेट कोरोजन, इसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन भी कहते हैं, और इससे रिलेटेड जो फिगर है वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। एक बड़ा सा ब्लॉक आपको बनाना है, और इस ब्लॉक के अंदर आप देख सकते हैं आयरन है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन टू माइनस है, और यहाँ पे आपका क्या है कैथोड है, ये आपका क्या होगा एनोड होगा, और यहाँ पे एक एसिडिक मीडियम दिया गया है कैथोड के लिए जिसमें आपका 2H जो होगा, यानी H पे आपका क्या है प्लस साइन है,
और प्लस है आपका बीच में इक्वेशन के अंदर, और टू ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस, एंड ये क्या हो रहा है एस टू को क्या कर रहा है बाहर भेज रहा है, यानी एस टू का रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ से आयरन जो टू है Fe2 प्लस क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है, और यहाँ पे जो स्टील है वो जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जिनका क्लियर होना आपके लिए जरूरी है, वो पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट कह रहा है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस ऑन द मेटल सर्फेस इन द एक्वस मीडियम और इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि एनोड एनोडिक एंड द कैथोडिक रिएक्शन टेक प्लेस, यानी इसमें एनोड और कैथोडिक जो रिएक्शन होते हैं वो प्लेस को कैरी करते हैं, जो क्या होता है एट द एनोड, यानी एनोड पे कौन सा एक्शन परफॉर्म होता है, कौन सा रिएक्शन, वो आप देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑकर्स होता है, जिसमें क्या होता है जो आपका मेटल होता है वो रिएक्ट करता है, तो m टू द पावर प्लस n बनता है और इक्वेशन में प्लस रहेगा और n ऑफ इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज रहेगा, और Fe आपका जो होगा वो क्या होगा Fe2+ बनेगा प्लस 2 ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेगा। इसको हमने क्या किया इक्वेशन a ले लिया। ओके ये a और b का फंडामेंटल आपको अभी आगे समझ में आएगा। आपका अगला है एट द कैथोड यानी रिडक्शन रिएक्शन विल ऑकर्स, यानी जब रिडक्शन जो आपका होगा वो ऑकर्स होगा। इसमें पहला आपका आता है इन एसिडिक मीडियम जिसमें बाय द H2 इवोल्यूशन यानी हाइड्रोजन की इवोल्यूशन से, सेकंड आपका आता है इन अल्कलाइन मीडियम बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन, एंड थर्ड आपका आता है पॉइंट कि इफ द कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियम इन द एसिडिक H2 लिब्रिएशन इज एक्सपेक्टेड, एंड यहाँ पे जो टू आपका है एस टू प्लस और यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन माइनस, देन ये क्या प्रोवाइड करता है हाइड्रोजन, जो कि हाइड्रोजन क्या होगा प्रोड्यूस होगा रिड्यूस होगा और ये डिएट करेगा तो क्या बनेगा ये आपका इक्वेशन सेकंड बनेगा। इक्वेशन ए और बी आपको यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ से कह रहा है कि नेट रिएक्शन ए प्लस बी यानी ये आपका जो है ये ए और बी, तो ए प्लस बी माइनस ऑफ एफ बी प्लस टू एच एंड प्लस, और यहाँ पे आपका रिएक्ट करके क्या बनेगा एफ ई का पावर आपका क्या होगा पावर में एफ ई टू प्लस होगा और प्लस एच टू होगा। तो ये आपका फंडामेंटल है और यहाँ से H2 आपका क्या होगा प्रेसिपिटेट होगा। अगला हमारा इसी के अंदर पॉइंट आपका आ रहा है कि इफ द कोरोडिंग मीडियम इज अल्कलाइन, यानी आपका अल्कलाइन होता है ये मीडियम, तो जो आपका ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन होगा वो एक्सपेक्टेड होगा इन दिस केस, ये आपका क्या होगा एट द एनोड ऑक्सीडेशन अकर्स, तो जो आपका एनोड होगा उसके लिए ये रिएक्शन आपका बनेगा और ये आपका ए क्या है इक्वेशन है, और कैथोड रिडक्शन के लिए ये इक्वेशन बनेगा, ये आपका सी है, सी आपका इक्वेशन है, और इसके लिए कुछ एक फॉर्मूला टाइप में बनेगा जो कि नेट रिडक्शन ए प्लस बी माइनस टू एफ ई प्लस ऑक्सीजन प्लस टू एच टू ओ टेंस टू आयरन हाइड्रोक्साइड एंड टेंस टू आयरन एफ ई टू ओ थ्री डॉट टू एच टू ओ जो कि रस्ट होगा आपका, और इस एरो के ऊपर आपको प्लस वन बाई टू ऑक्सीजन देना है। तो इस तरीके से हमने क्या किया सारे फंडामेंटल्स को इसके अंदर डिस्कस कर लिया, जो भी इसके अंदर पॉइंट्स थे इस पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिया। तो ज्यादा ज्यादा चीजों को शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इन चीजों का फायदा उठा सके। तो जल्दी मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।